हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है नया टॉपिक इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेशन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन इज ओनली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड टू द इंटीग्रेशन एंड द सिंबल इज डेनोटेड बाई दैट इज इट मीन द फंडामेंटल एलिमेंट्री फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला। फंडामेंटल या फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? इफ डी बाई डी एक्स, इफ डी बाई ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डी जी एक्स, इफ डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इज इक्वल टू एफ एक्स, इज इक्वल टू एफ एक्स इज इम्प्लाइज दैट, रिवर्स में इज इम्प्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स यानी कि डिफरेंश इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। ये हम कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, यानी कि कोई फंक्शन है जी एक्स, इसका जो है डिफरेंशियल करके क्या आ गया एफ एक्स है, और एफ एक्स का हम जो है इंटीग्रेशन कर लें तो क्या आ जाता है जी एक्स आता है, और सी में लगाते हैं पार्ट टू द इंटीग्रेशन, दैट इज पार्ट टू द इंटी सम एलिमेंट इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूले क्या हैं लिख देते हैं, इसके क्या होते हैं रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो 11th और 12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी नाउ वी स्टार्ट एट द फंडामेंटल एट द बेसिक दैट इज मीन that is means x to power n integration x to power n plus 1 upon n plus 1 where n is not equal to 1 plus c n is not equal to minus 1 upon x log x plus c, 1 upon x equal to log x plus c, that is a means where x not equal to 0. जो टेन एक्स का सीधा फॉर्मूला फिर कर लेंगे इस्तेमाल, इसको इसके लिए इसको लिखते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स को लिखते हैं, क्या लिखते हैं
कोस एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एक्स। देखो ये इसके सम बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, ये क्या है, ये अगर मान लिया x पावर n dx है तो इसके पास ये आ जाएगा मतलब फोन एक्स का लोग x, e की पावर x का e पावर x, e पावर x लोग ये साइन x का माइनस कोस x, कोस x का साइन x, sec स्क्वायर x का tan x, माइनस कोस स्क्वायर x का माइनस कोट x, sec x tan x का sec x, cos x cos cos x cot x का cos x cot x क्या आ जाएगा माइनस cos x और वन अपॉन साइन इनवर्स x, या ये तो मुझे माइनस cos इनवर्स x प्लस c tan इनवर्स x, या माइनस cot इनवर्स x प्लस c मैंने कौन sec इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x प्लस c, इस तरह का मैं ये सीधा सा फॉर्मूला इनका मैं लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, और भी प्रॉब्लम? अच्छा एक है, एक और क्या है इसमें, क्या आता है ये, प्रॉपर्टी दो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी दो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाता है अगर कोई एफ वन एक्स एफ वन एक्स डी एक्स एफ टू एक्स डी एक्स एफ थ्री एक्स डी एक्स एंड सो ऑन, और इस तरह वेयर के इज एनी इंटीजर, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट, वेयर तो ये क्या जाता है, एफ वन एक्स डी एक्स प्लस एफ टू एक्स डी एक्स प्लस एफ थ्री एक्स डी एक्स प्लस एफ फोर एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। ये इसका फॉर्म है, जैसे एक है टू की पावर एक्स प्लस वन माइनस फाइव की पावर एक्स माइनस वन
tan की पावर x इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। किस तरह करेंगे इसको, अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन tan की पावर x, y की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन tan। इसमें क्या कर लिया, 2 की पावर x, 2 इंटू 2 की पावर x tan की पावर x माइनस फाइव की पावर x अपॉन 5 इंटू 10। इसका इंटीग्रेशन आ गया भैया, ठीक है, 2 इंटू 2 अपॉन tan की पावर x माइनस 1 अपॉन 50 की पावर 5 की पावर x। ठीक है, आ गया a की पावर x, a की पावर x क्या आ जाएगा, ये a की पावर x जगह 2 इंटू 1 अपॉन 50 क्या आ गया, 1 अपॉन 50 1 अपॉन 5.10 येगा। तो 1.2 अपॉन टू आ जाएगा और प्लस के इसमें सी लगा दिया जाएगा। देखो क्या है भैया, ये ए की पावर एक्स माइनस ये आ गया, इन्हें अलग अलग कर दिया। तो इसे टू की पावर एक्स फलन को टू इंटू टू की पावर अपॉन टेन की पावर एक्स, तो फाइव की पावर एक्स इंटू फाइव इंटू टेन की पावर एक्स, टू अपॉन टेन की पावर एक्स माइनस अपॉन फाइव अपॉन टू की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का फॉर्म लगेगा, ए की पावर एक्स लॉग ई ए माइनस वन अपॉन फाइव वन अपॉन एक्स की पावर ए क्या गया, वन अपॉन ए की पावर एक्स क्या गया, ए की पावर लॉग ई ए वन बाई प्लस सी दैट इज आर। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, टेन इनवर्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन फॉर दिस। तो क्या करता हूँ, पहले इसको जो है साइन और कोस में चेंज कर देता हूँ। क्या रहेगा, टेन इनवर्स
इनका ही वो ले लिया, एलसीएम ये आ गया, ये आ गया। इसको जो है स्कोर से बदल दिया, क्या आ गया वन माइनस कोस पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू पाई बाई टू प्लस एक्स, ये क्या आ गया। इसका फॉर्मूला भी लेगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या आ गया वन माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या आ गया वन माइनस टू गोल स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या आगे फॉर्मूला वन माइनस टू गोल स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस टू वन माइनस टू गोल स्क्वायर एक्स बाई टू, टू यह टू गोल स्क्वायर एक्स बाई टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये वन से कट जाएगा, क्या आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर, इसका एंगल हाफ आ जाएगा, क्या आएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, वन प्लस आ जाएगा यू अपॉन टेन साइन टू एक्स साइन एक्स, टू साइन का एंगल हाफ हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन आ जाएगा ये डी एक्स आ जाएगा, इस वन से बन जाएगा क्या टू साइन स्क्वायर फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, नीचे क्या आएगा टू साइन फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इससे जाएगा साइन से साइन जाएगा, क्या गया साइन फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्या आएगा साइन पाई बाई फोर एक्स बाई टू, और ये क्या आ जाएगा कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, साइन अपॉन टेन क्या आएगा टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये टेन इनवर्स आ जाएगा टेन इनवर्स टेन टेन इनवर्स टेन, क्या जाएगा ये क्या जाएगा ये फाइव बाई फोर प्लस के एक्स बाई टू, क्या जाएगा फाइव बाई फोर प्लस के एक्स बाई टू डी एक्स, इनका डी इंटीग्रेशन ले लिया फाइव बाई फोर का क्या जाएगा फाइव बाई फोर एक्स, इसका क्या जाएगा फाइव बाई फोर एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू का एक्स स्क्वायर बाई टू और टू बाई एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस के सी, देखो ये सवाल था, क्या सवाल था ये टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स था, ये टेन इनवर्स इसको साइन कोस में बदल दिया, तीन का एलसीएम ले लिया, ये आ गया इसको साइन को कर ले सकता हूँ कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, कोस पाई बाई टू प्लस क्या आता है माइनस साइन एक्स माइनस माइनस ये आ जाएगा कोस एक्स को साइन पाई बाई टू प्लस एक्स साइन पाई नाइनटी प्लस थीटा कोस, अभी ये आ गया ठीक है, वन खत्म करने के लिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लगा दिया, साइन एक्स का टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू का एंगल हाफ करके ये लगा तीन दो काट दिया, इस साइन से ये साइन चले जाएगा, फिर हो गया साइन एक्स पाई बाई फोर वो नीचे चलेगा फोर एक्स पाई बाई फोर प्लस बाई टू होगा टेन पाई बाई फोर एक्स बाई टू, टेन इनवर्स और टेन दोनों से ये चलिए हो जाएगा फाइव बाई फोर एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशियल आ गया तो पाई बाई फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के सी आ गया, ठीक है भाई आगे बढ़े।
एक क्वेश्चन और एक हो रहा है देखो। इसको ऐसा बनाने के लिए तो एक बार जोड़ दूंगा, एक 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 प्लस कर दूंगा, एक बार माइनस कर दूंगा। इसको क्या आ गया, एट एक्स प्लस फोर्टीन क्या आ गया, एट एक्स प्लस फोर्टीन माइनस के वन अपॉन, तो अलग अलग कर लूंगा क्या आ गया है, माइनस इन दोनों में दो को मैं ले लूंगा, फिर जाएगा क्या क्या या इसको क्या गया ये क्या गए हैं, ये आ गया एक्स की पावर हाफ का गया, एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, तो गया टू फोर फोर एक्स प्लस सेवन पावर थ्री बाई टू अपॉन, और ये फोर जो कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा क्या आएगा, टू फोर एक्स प्लस सेवन की पावर थ्री बाई टू अपॉन फोर इंटू थ्री बाई फोर इंटू थ्री बाई टू, एक क्या आता है एक्स की पावर एन का ही आता है ना फोर, ये आता है अगर फोर एक्स प्लस सेवन है तो फोर एक्स क्या मान लूँगा मैं, टी मान लूँगा, तो क्या फोर डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन फोर, तो डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, डी यानी जो भी एक्स के जो मल्टीपल में होता है वो फंक्शन होता है वो उसके नीचे आ जाता है, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन फोर से करूँगा तो इसके नीचे आ जाएगा फोर एक्स प्लस सेवन इंटू फोर इंटू थ्री बाई टू, सिमिलरली ये आ जाएगा फोर माइनस फोर एक्स की पावर सेवन की पावर हाफ अपॉन फोर इंटू हाफ, यानी अगर एक्स की पावर माइनस हाफ हुआ तो क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, एक्स की पावर हाफ अपॉन एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ 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 अपॉन हाफ, ठीक इसी तरह से एक्स की पावर ये आ जाएगा क्या जाएगा, ये टू इंटू फोर एक्स प्लस सेवन की पावर थ्री बाई टू माइनस
फोर एक्स प्लस सेवन की पावर हाफ अपॉन और प्लस सी आ जाएगा ये फोर टू टू द सिक्स टू सिक्स टू बाई थ्री आएगा टू बाई थ्री इसमें आ जाएगा ये टू टू द फोर वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री फोर एक्स प्लस सेवन की पावर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू फोर एक्स प्लस सेवन की पावर हाफ इंटू सी टू से टू भी जाएगा वन बाई थ्री जाएगा क्या जाएगा ये वन बाई थ्री टू से टू टू द फोर टू से टू जाएगा वन बाई फोर आएगा आगे बढ़े भाई देखो ये क्या डी एक्स इसका एलसीएम ले लेंगे क्या आ गया एक्स की पावर टू और माइनस सेवन एक्स को फिर टी मान लूंगा टू एक्स माइनस वन अपॉन साइन इक्वल टू डी टी नीचे आए तो फॉर्मूला बनता ही नहीं भैया यहाँ ऊपर होता जब होता है तो फॉर्मूला ये तो है ही नहीं तो देंगे आप इसका नेट इधर टू एक्स माइनस चलो मैं ये कर लेता हूँ देखो देखो टू एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन एक्स जाएगा फोर्टीन माइनस एक्स
फोर से, तो मैं डिप्लाई कर दूंगा इसको, क्या आएगा ये 4x² - 28x +48 जो 2ab रखा था है, इसमें चाहता क्या है 49 प्लस के 1 कर दूँ और माइनस के 1 कर दूँ और ये कर दूँ, ये क्या आ जाएगा 2x+7 का होल स्क्वायर 2x+ ये रखा है मेरे पास, है मेरे पास ये क्या है मेरे पास है ये x² - 7x+12 इसका मतलब 4 से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले 4 से ऊपर इसके नीचे मल्टीप्लाई कर, 4 का मतलब 2 से, इसका रूट 4 से, रूट 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया इसका, क्या ऊपर तो 2 आ गए, 2dx/ आ गए 2x-7 ये क्या आ गया 4x² - 28x+48 मुझको चाहता है 49, एक प्लस कर दूंगा और एक माइनस कर दूंगा, ये क्या आ गया 4x+7 2x+7 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस, अब इसको 2x-1 को क्या मान लूंगा मैं, लेट 2x-1 = t, तो 2dx/dt, dx/dt/t, तो क्या ये dt/t √t²-1² इसका इंटीग्रेशन, तो 1 × x·x² - 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec इनवर्स x, क्या आता है sec इनवर्स x, क्या आता है इसका sec इनवर्स x, sec इनवर्स x sec इनवर्स 1/2 sec इनवर्स c, तो 1/2 sec इनवर्स, इनवर्स की वैल्यू क्या है sec इनवर्स 2x-1 1/2 sec इनवर्स 2x-1 प्लस
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू टेन फाइव बाई टू एक्स टेन फाइव बाई टू प्लस एक्स टेन फाइव बाई टू प्लस एक्स प्लस ए प्लस टेन फाइव बाई टू प्लस ए प्लस बी फाइंड द वैल्यू ए एंड बी फाइंड वैल्यू ए एंड बी फाइंड द वैल्यू एंड डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन इसके क्या आ गया डी एक्स अपॉन इसे कह लिया वन प्लस कॉस फाइव बाई टू माइनस एक्स ठीक वन बाई डी एक्स कॉस फाइव बाई टू माइनस एक्स कर दिया इसको क्या कर लिया कॉस एक्स को टू होल स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक्स क्या कर टू होल स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस डी एक्स अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू माइनस वन वन से वन गया तो क्या गया डी एक्स अपॉन वन क्या गया डी एक्स वन बाई टू क्या गया वन बाई टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर फाइव बाई फोर माइनस एक्स क्या गया सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव बाई फोर माइनस के ये क्या गया वन बाई टू टेन फाइव बाई फोर माइनस के एक्स बाई टू वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स तो क्या गया टेन फाइव बाई फोर माइनस के एक्स बाई टू और ये मैं फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू को जब मैं टी मान लूँगा माइनस डी एक्स अपॉन टू इक्वल टू डी टी तो डी एक्स इक्वल टू माइनस टू डी टी ये भी ध्यान रखना तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू डी टी तो टू डी टी है टू से टू चल जाएगा ये तो क्या आ गया डी टी इसे टू आ जाएगा प्लस सी क्या आएगा टेन फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इक्वल प्लस सी क्या आएगा टेन फाइव बाई फोर माइनस यहाँ माइनस का आएगा तो एक माइनस का आ जाएगा यहाँ इसे टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा वो इसे कर लूँगा टेन एक्स बाई टू माइनस के फाइव बाई फोर प्लस के सी फॉर्मूला होता है टेन माइनस थीटा इक्वल टू टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा आ गया और इसकी वैल्यू गिवन है क्या गिवन है ये वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू टेन फाइव बाई टू प्लस ए टेन फाइव बाई टू प्लस ए और इसकी वैल्यू क्या आ गई है टेन एक्स बाई टू माइनस फाइव बाई फोर इक्वल टू टेन फाइव बाई टू प्लस ए ये प्लस बी टेन फाइव बाई टू प्लस ए प्लस टेन फाइव बाई टू प्लस ए प्लस बी अपनी जब इसका डिफरेंशियल करूँगा यहाँ तो मैं सी आ जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा इसका सी आया प्लस के सी
बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू माइनस पाई बाई सी, ए इक्वल टू क्या आ गया एंड बी इक्वल टू सी इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ गया, ये इसका आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ गया, बी इक्वल टू सी आ गया। देखो ये फंक्शन था, इसे कोस में बदल दिया, कोस को टू कोस वन ख़त्म करने के लिए आ गया, सेक इस पर आ गया क्या आ गया टेन आ गया, फाइव बाई फोर माइनस बाई टू को माइनस टू टी एफ डी टी जो से ले जाएगा, इन दोनों से माइनस को मिलेगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, शुरू में क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू रखी तो हम लोग इक्विवेलेंट करके ए की वैल्यू बी की वैल्यू बी एल ए इक्वल बी इक्वल टू क्या गया सी, बी एल सी क्या था हमारा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट था। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर कहीं फंक्शन ये हो देखो भाई, अगर कोई ये फंक्शन आ जाएगा एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो एफ एक्स का, अगर इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हो तो इसकी क्या जाता है जाता है लॉग एफ एक्स प्लस सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमारे कोई इंटीग्रेशन है इसका क्या है इसका नीचे फॉर्म, इसका जो है डिफरेंशिएशन ऊपर रखा नीचे वाले का, तो इसका क्या आता है लोग एफ एक्स, लोग एफ एक्स। जैसे एग्जांपल है एक सवाल वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करना है, क्या क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या करूँगा इसको मैं ई की पावर एक्स माइनस दोनों में से कॉमन ले लूँगा, ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन e की पावर माइनस एक्स डी किया, ये आगे e की पावर एक्स वन अपॉन e की पावर ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। इसको क्या लिख दूंगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस e की पावर माइनस एक्स को ऊपर ले जाया गया क्या आ गया e की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स, ई की पावर एक्स प्लस वन को क्या मान लिया ये यार, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये रखा, मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, ई की पावर प्लस जीरो इक्वल टू ई की पावर ये रखा, ये इसका डिफरेंशिएट रखा ऊपर ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया लॉग e की पावर x प्लस वन प्लस, ये क्या मान लो लॉग e की पावर x प्लस वन अपॉन c,
जैसे क्या आ गया ये डिफरेंशिएट निकालना है साइन टू एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट देखूं ए स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ ए स्क्वायर क्या रहेगा टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर का माइनस साइन स्क्वायर का टू साइन एक्स कोस एक्स कोस स्क्वायर का टू कोस एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस आ गया साइन टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स टू साइन एक्स कोस साइन टू एक्स इन दोनों में साइन टू एक्स का आ गया क्या ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ये रखा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर तो ये डी एक्स आ गया तो ये आ गया डी एक्स मान लेते टी मान लिया टी तो ये क्या डी एक्स बराबर डी टी इसके बराबर डी एक्स बराबर क्या आ गया ये डी टी आ गया क्या आ गया ये डी टी आ जाएगा क्या आ गया ये डी टी। अच्छा अब इसका साइन टू एक्स इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से डी टी पॉन वन ऑफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा डी टी वन पॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर या ये कह दो इसका अगर यूनिट डायरेक्ट करना डायरेक्ट अगर ये नहीं करना चाहते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ये क्या है ये इसका डिफरेंशियल रखा है इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा तो क्या कह लो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग क्या आ गया वन माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर फोर स्क्वायर एक्स ये क्या था ये आंसर आ जाएगा। एक फॉर्म है अगर कोई एफ एक्स की पावर एन यहाँ ये रखा है है ये फॉर्मूला एक वो फॉर्म है अगर ये अगर कोई एफ एक्स की पावर एन है एफ एक्स की पावर एन कोई एफ डैश एक्स है ये डी एक्स है इसका डिफरेंशियल ये रखा है एफ डैश एक्स एन इसका फॉर्मूला क्या आता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एफ एक्स की पावर एन अपॉन एफ एक्स की पावर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या रहता है
एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन सी। जैसे ये है लॉग टेन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स डी एक्स अगर मैं इसका लॉग टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ लॉग टेन एक्स बाई टू का, ये क्या आ जाएगा वन अपॉन टेन एक्स बाई टू डी एफ ऑन डी एक्स टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स बाई टू का वन बाई टू। इसको क्या कर लिया वन अपॉन टेन एक्स बाई टू मीन साइन अपॉन एक्स साइन एक्स बाई टू अपॉन सेक स्क्वायर यानी कोस एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, इससे जाएगा ये दो ये जाएगा साइन एक्स, क्या आ गया ये देखो इसका डिफरेंशिएट क्या आ गया लोग एक्स का वन अपॉन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का वन बाई टू आ गया। इसको नीचे ले आया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कौन कैसे एक्स बाई टू, इससे जाएगा टू साइन एक्स बाई टू फोर एक्स बाई टू साइन एक्स आ गया। तो लॉग टेन एक्स बाई टू साइन एक्स का क्या आ गया फार्मूला, इसका ये आ गया सीधा इंटीग्रेशन, यानी इसका डिफरेंशियल ये रखा है, इसका डिफरेंशियल ये रखा है। तो एफ एक्स की पावर एन प्लस वन एफ एक्स की पावर एन प्लस वन तो क्या गया लॉग टेन एक्स बाई टू लॉग टेन एक्स बाई टू की पावर एन प्लस वन, एन कितनी थी यहाँ वन थी तो वन प्लस वन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इक्वल टू क्या आ गया लॉग ये इसका आंसर आएगा। जैसे एक सवाल है क्या करा मैंने इसमें से मैंने जो है एक्स की पावर फोर दोनों में कॉमन ले लिया, ये है एक्स की पावर फोर प्लस वन की पावर थ्री बाई फोर मैं एक्स की पावर फोर की पावर थ्री बाई फोर एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर ये कॉमन ले लिया।
4 से 4 आ गया, वन प्लस वन की पावर वन कौन एक्स प्लस वन क्या गया, एक्स पावर फाइव क्या गया, एक्स पावर फाइव क्या गया, एक्स पावर फाइव हमें ऊपर लिए गया, अच्छा अब मैंने वन पॉन एक्स पावर फाइव को अगर मैं टी मान लिया, अगर इसको मान लिया मैंने टी मान लिया, ये क्या आ गया वन प्लस क्या गया वन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फाइव, यानी एक्स की पावर माइनस फोर आ जाएगा, माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव डी एक्स बराबर डी टी, ये माइनस वन अपॉन एक्स पावर फाइव इक्वल टू माइनस डी टी पॉइंट फोर क्या गया माइनस, ये गया डी टी पॉइंट फोर, ये क्या माइनस इसका, ये गया टी की पावर, अच्छा ये इसका रखा है तो उसका क्या जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली फॉर्म में रखा क्या आ जाएगा माइनस वन पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फोर इसकी पावर की पावर प्लस वन प्लस वन आ जाएगा, क्या आएगा माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन प्लस थ्री माइनस वन पॉइंट फोर आंसर निकाल सकते हैं। एक आगे और सवाल देखो, यहाँ ये साइन की पावर सिक्स एक्स साइन की पावर सिक्स एक्स अपॉन कोस की पावर एट एक्स डी एक्स, साइन की पावर सिक्स एक्स कोस की पावर एट एक्स डी एक्स, इसका जो है फॉर्मूला निकालना है, इसका जो है फॉर्म सॉल्व करना है, इसको क्या रहता है देखो भाई, इसे कर लिया क्या, इसे क्या कर सकता हूँ मैं, साइन की पावर सिक्स एक्स इंटू साइन कोस की पावर सिक्स एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे कोस एट को कोस पावर सिक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स
देखिए साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, टेन साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, टेन आ गया, क्या आ गया, टेन ही पावर सिक्स एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कहेंगे इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या आता है, क्या आ गया, टेन ही पावर सिक्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या आ गया, टेन ही पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और देखो टेन एक्स को अगर टी मान सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को अगर मैं क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा, तो क्या गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी आ गया, ये क्या आ गया, फिर इसका ये रखा, ये इसका डिफरेंशिएट रखा एफ की एक्स एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स की फॉर्मूला होता है एफ एक्स पावर एन एफ वन एन प्लस वन, क्या गया टेन सिक्स प्लस वन अपॉन टेन और सेवन एक्स अपॉन सेवन प्लस सी इक्वल टू यार, अब है ये क्या है tan x, क्या है sec x dx का इंटीग्रेशन करना, sec x dx का इंटीग्रेशन करना, तो क्या आ गया ये sec x है sec x प्लस tan x ठीक। देखो क्या करा मैंने इसको sec x प्लस tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, कोई प्रॉब्लम ठीक है। अब आगे क्या करते हैं इसमें, इस sec x की दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया sec स्क्वायर x sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब इसको अगर sec x tan x का जो डिफरेंशियल ये रखा है, क्या मान लिया, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t, क्योंकि sec x का sec x tan x tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt ये रखा sec स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किया जाता है लॉग एक्स, क्या जाता है लॉग एक्स, क्या आते हैं इसका मतलब क्या आ गया लॉग sec एक्स प्लस sec, ये क्या आ गया लॉग sec x प्लस के tan x, लोग sec x प्लस tan x ये आगे इधर लिख लेंगे लोग sec x प्लस tan x sec x की वैल्यू रख दूंगा, फिर sin log 1 अपॉन cos x अपॉन sin x अपॉन
फिर कोस एक्स आ गया, क्या गया लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इसको क्या कर दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को वन लॉग वन प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन क्या लिख सकता हूँ कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, क्या कह लिया कोस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इसके लिए माइनस कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है साइन पाई बाई टू प्लस एक्स वन माइनस कोस पाई बाई टू प्लस एक्स कोस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। इसको फॉर्म लो क्या कर लिया, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स को खोल लिया, क्या गया टू कोस स्क्वायर एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर, इसका हाफ आ जाएगा एंगल का क्या आएगा लॉग वन माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। इसका फॉर्मूला क्या आ गया टू साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। इस वन से वन चले जाएगा, क्या आ गया ये लॉग लॉग इस टू से टू गया, ये क्या गया टू साइन स्क्वायर टू से एट टू गया, साइन से साइन गया, साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू कोस पाई बाई फोर एक्स बाई टू जाएगा लॉग टेन लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स टू, यानी कि सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है लॉग सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है ये लॉग रट लेना इसको sec x प्लस tan x भी होता है, जो कि आगे याद ही नहीं आगे थे लोग sec x प्लस tan x भी होता है, एक तो योग की तरह फॉर्म लिया वाला और एक होता है क्या वाला log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्या होता है log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्या होता है log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और इसमें भी यह सी जोड़ देंगे, इसमें भी सी जोड़ देंगे, दैट इज सोल्ड लॉग sec x dx लॉग sec x प्लस tan x, ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, इसको हम जो है कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे sec x का डिफरेंशियल लॉग sec x प्लस tan x लॉग tan बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है आई बात समझ में भैया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है इस सवाल को घर से क्यों लाना है देखना, वन अपॉन एन सी आर टी में भी करा होगा बुक में बहुत मिलता है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस डी एक्स, इसको सवाल कर लेना है वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स,
इस सवाल को जो है घर से करके लाना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट में फिर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।